तो यही कारण है कि हमें मीम कॉइन्स के अंदर काफी ज्यादा पंप देखने को मिल जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक क्रिप्टो लवर फॉरएवर, एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीओबी कॉइन बॉब कॉइन के बारे में। जी हाँ गाइस, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि बॉब कॉइन क्या है, एंड लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि बॉब कॉइन रियल है या स्कैम है, इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो आज का यह वीडियो स्पेसिफिक केवल बॉब कॉइन के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा बॉब कॉइन के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं, एंड पूरा रिसर्च के साथ आपको बताने वाले हैं कि बॉब कॉइन के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि ज्यादा आप लोग यूट्यूब के भरोसे मत रहा करें, थोड़ा सा खुद की भी रिसर्च पे ध्यान दें, एंड किसी कॉइन को इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसके विषय में सही से एनालिसिस आप लोग भी करना सीखें। क्योंकि अगर यूट्यूब पे कोई आपको पॉजिटिव वीडियो बना के देगा तो आप पॉजिटिव लेंगे, एंड निगेटिव बना के देगा तो आप निगेटिव लेंगे, लेकिन जब आप खुद रिसर्च करेंगे तो आप श्योर होंगे। तो आज हम आपको जो है कुछ ऐसे जो है टूल्स भी बता देंगे जिनकी मदद से आप जो है किसी कॉइन्स के विषय में आप जो है थोड़ी सी रिसर्च कर पाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, साथ में हमारे जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट्स होती हैं जो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाता हूँ, तो आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे दे देता हूँ। तो वहाँ से आप जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड हम जो है आपस में कम्युनिटी के काफी टच में भी रहते हैं। सो अभी हम चलेंगे अपने टॉपिक पे, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉब कॉइन के ट्विटर अकाउंट के ऊपर से। तो जैसे कि हम है बॉब कॉइन के ट्विटर अकाउंट के ऊपर, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप इसका जो है मीम देख सकते हैं। अभी हाल ही में एक कॉइन आया था पेपे कॉइन, उसी के हिसाब से यहाँ पे इनका जो है मीम डिजाइन किया गया है, एंड यहाँ पे जो है आप मीम देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे इलॉन मस्क ने काफी टाइम पहले ट्वीट की थी आई लव बॉब, तो जैसे ही इनकी ट्वीट आई उसके बाद ही एक टोकन क्रिएट होता है जिसका नाम बॉब होता है, एंड इस ट्वीट का काफी अच्छी तरीके से फायदा उठाया जाता है। एंड टोकन को जो है पूरी तरीके से बढ़िया सा बना के उसको जो है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करा दिया जाता है, एंड आपने जो है बॉब कॉइन को जो है ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंडिंग में देखा होगा। तो ये काफी अच्छा जो है ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किया जाता है। जब ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है तो उसके बाद में जो है लोग इसके ऊपर सर्चिंग करना शुरू करते हैं कि ये आखिर है क्या, तभी आपको जो है इसके ऊपर जो है काफी लोगों का जो है सर्च बढ़ता है, और ये जो है आपकी इनकी जो वेबसाइट पे जाते हैं। सो वेबसाइट पे अगर हम बात करें तो वेबसाइट पे अभी हमें इनके कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, ना ही इनका कुछ इकोसिस्टम है, ना ही कुछ टोकोनॉमिक सही है, ना ही कुछ रोड मैप है। एंड बताएं आप बिना रोड मैप के कौन सा कॉइन आप खरीदने वाले हैं भैया? कोई कॉइन आएगा तो उसका जब कुछ रोड मैप होगा तभी हम उसको खरीदेंगे, एंड यहाँ पे जो इनका कुछ रोड मैप है ही नहीं है। यहाँ पे जो है इन्होंने सब एक बॉब के नाम पे जो है थोड़ा सा देख सकते हैं आप कुछ मीम वगैरह जो है शेयर किए हैं, एंड यहाँ पे इलॉन मस्क की ट्वीट लगा रखी है खरीदो हमको हमें बॉब। सो गाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं वेबसाइट का मतलब होता है कि किसी टोकन की जो वेबसाइट आती है तो उसको जो है सही तरीके से डिजाइन किया जाए। यहाँ पे इलॉन बॉब का आपको टोकन देखने को मिल रहा है, एंड सप्लाई की बात करें तो 690 बिलियन की इसकी सप्लाई है, 0% टैक्स है। सो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनके ये सोशल मीडिया अकाउंट, बस यही इनकी वेबसाइट है, एंड आपको जो वेबसाइट के ऊपर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एंड अगर हम एक बात अभी और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी इसकी जो लिस्टिंग की डेट वो आई, एंड ये जो है आपको पोनिक्स है एक एक्सचेंज पोलोनिक्स, तो उसके ऊपर जो है आपको इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखने वाली है, एंड ये उसके ऊपर भी रन करने वाला है 2 आवर पहले की ये अपडेट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर बॉब के प्राइस की बात करें तो आज जो है हमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, एंड यहाँ पे 250% का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। रैंक की बात करें तो 2626 की रैंक देखने को मिल रही है, एंड 2734 लोगों ने इसको जो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर एड करके रखा हुआ है। एंड सप्लाई की बात, जैसा मैंने आपको बताया 690 बिलियन की सप्लाई है, एंड यहाँ पे जो है 3.0031 की सीरीज पे आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें पिछले टाइम 7 दिन की, तो यहाँ पे जो है मैंने 7 दिन का इसका चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, एंड अगर आप 7 दिन पहले इस कॉइन के ऊपर जो है 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करते ना, तो आज की डेट में करंट प्राइस के हिसाब से 17,500 रुपए का अमाउंट ये बन चुका था ओनली 7 डेज के अंदर। सो मीम कॉइन्स के अंदर हमें जो काफी अच्छी जब हाइप बनती है ना तो प्रॉफिट तो देखने को मिल जाता है, बट ये प्रॉफिट किसी रिस्क से कम नहीं होता है। सो यहाँ पे मीम कॉइन हमें प्रॉफिट तो देते हैं, बट अगर चाहे तो रातों रात आपको जो है प्रॉफिट के साथ में भी आपको जो है एकदम जमीन के अंदर ले जा सकते हैं। सो ऐसे कॉइन्स के ऊपर जब भी इन्वेस्ट करें तो रिसर्च जरूर करें, एंड ऐसे कॉइन पे जल्दी फोकस ही ना करें, क्योंकि ये कॉइन जो होते हैं चले तो चांद तक, नहीं तो फिर समझ सकते हैं आप
आप ऐसे क्वाइंस होते हैं ये, एंड ये जो है आपको जो है काफी, आप सोचे लॉन्ग टर्म वाले क्वाइन तो बिल्कुल नहीं है ये लो क्वाइन, यहाँ से आपको जो है प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। अभी हम थोड़ा सा आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं डेक्स टूल के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं डेक्स टूल के ऊपर, टोटल लिक्विडिटी की बात करें तो 669 की जो है इसकी डॉलर की लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लास्ट 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो गाइज आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा हमें यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल रही है, $15 मिलियन की यहाँ पे जो हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली। एंड अगर पूल वेल्थ की बात करें तो 257 का पूल वेल्थ है, एंड पूल बीओबी की बात करें तो 12.69 बिलियन का जो इसका पूल वेल्थ देखने को मिला है। मार्केट कैप की बात करें तो 26.41 मिलियन का मार्केट कैप है इसका, एंड टोटल सप्लाई जैसा कि आपके सामने मैंने बताया 690 बिलियन की है। होल्डर्स जो है इनके 3,000+ हो चुके हैं, 4,000 होने वाले हैं टोटल, जो है अगर ट्रांजेक्शन की बात करें तो 13,000+ इनके ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर हम इनके जो है डेक्स स्कोर की बात करें तो आपको डेक्स स्कोर देखने को मिल जाएगा 99 का, लेकिन यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा वोटिंग में 77% ट्रस्टेड, लेकिन 9 वोट्स ही हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे वोट नहीं है। सो ऐसे क्वाइन जो कि कुछ टाइम के लिए ही आते हैं तो यहाँ पे जो है हमें प्रॉफिट तो काफी अच्छा बना के दे देते हैं, बट उससे ज्यादा लॉस पाने के भी यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो ऐसे क्वाइन के ऊपर जरा से भी ध्यान मत दें, एंड अगर फिर भी आपको जो है इन्वेस्ट करना ही है तो आप ज्यादा अमाउंट ना इन्वेस्ट करें, 100, 200, 500 रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये क्वाइन वो क्वाइन होते हैं क्योंकि चले तो चांद तक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो 100, 200, 500 रुपए भी काफी एक्स तक के रिटर्न दे जाएगा, एंड अगर जाता है तो आपको 100, 200, 500 में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ऐसे क्वाइंस के ऊपर जो है इन्वेस्ट करने से पहले एक बार रिसर्च करना ज्यादा जरूरी है। सो आप किसी फंडामेंटल क्वाइंस के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप टॉप 5 क्वाइंस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि आपको अच्छा प्रॉफिट दें बुल रन के अंदर, तो उनकी जो मैंने लिस्ट आपको अपने वीडियो चैनल पे शेयर कर चुके हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको जो मैं दे दूंगा इसका जो है लिंक, एंड ऊपर आई बटन पे भी आपका इसका लिंक शो कर रहा होगा, तो आप वहां से भी इसको देख पाएंगे। तो देखा कि जैसा कि हम हैं बात कर रहे थे इसके बॉब क्वाइन के बारे में, तो यहाँ पे जो इसका हमें कुछ भी फंडामेंटल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे क्वाइन जो है ना काफी कम टाइम के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि इन क्वाइन के ऊपर जो है ये खुद की अपनी फीस को मैनेज कर पाते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये आपको जैसे ही अगर काफी एक्स का जैसे ही प्रॉफिट दे देगा तो हो सकता है ये आपको जो फीस लगा दे। आपने 100 रुपए के 1000 बनाए बट इन्होंने फीस लगा दी 70%, तो आपके 700 रुपए तो केवल फीस में ही कट गए, तो भैया आपको बचा क्या? तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वाइंस पे जो है इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि ऐसे क्वाइन को जो है इन्वेस्ट करने की कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। एंड ये वीडियो कोई भी इस क्वाइन के लिए या इस फिक किसी भी वीडियो में किसी भी क्वाइन को इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता हूँ। एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। एंड ऐसे क्वाइन जिनका तो कोई रोड मैप ही नहीं है तो इनके तो बिल्कुल भी सलाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड आप देख सकते हैं प्राइस कितना ज्यादा फ्लक्चुएट इसका होता हुआ दिख रहा है। सो इन क्वाइंस के ऊपर इन्वेस्ट मत करें, एंड अगर फिर भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझें, एंड मार्केट के थोड़ा करंट सिचुएशंस की समझें, एंड इस क्वाइन के ऊपर समझें थोड़ा सा, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्की मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, एंड यहाँ पे एक क्वाइंस उससे ज्यादा रिस्की है क्योंकि इनका जो कोई रोड मैप फंडामेंटल वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है। सो ऐसे क्वाइन आपको जो है मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब अब बुल रन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, एंड हमें जो है मार्केट के अंदर काफी सारे क्वाइन डेवलप होते हुए दिखेंगे, जो कि आपको जो है लास्ट केवल 24 आवर्स के अंदर ही कहो 10x 20x 30x तक का भी रिटर्न दे दें, जैसे पेपे क्वाइन ने हमें दिया, एंड आपको ऑगी इनू क्वाइन वो भी मिला। मैंने आपको 3-4 क्वाइन के शेयर किए अपने चैनल पे जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट भी दिए, लेकिन मैं उनको किसी क्वाइन में भी आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अगर बात करें पेपे क्वाइन जो है काफी ज्यादा डाउन पे हमें देखने को मिल रहा है। सो इन क्वाइन पे अभी आप फोकस मत करें, अपना जो है पोर्टफोलियो मैनेज करें। मैंने टॉप 5 क्वाइंस की लिंक आपको दे दी है, उनके साथ मैनेज करें। सो आज के टॉपिक में बीओबी क्वाइन के साथ आप जान चुके हैं, एंड आप भी किसी क्वाइन में जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके वेबसाइट के एनालिसिस करें, उसका ट्विटर अकाउंट चेक करें, एंड उसके जो है रोड मैप को देखें। जब रोड मैप वगैरह आपको सही लगता है तभी आप इन्वेस्ट करें, एंड इस क्वाइन के ऊपर जब कोई अच्छा रोड मैप आता है एंड लगता है कि फ्यूचर क्वाइन होने वाला है तो आपको मैं जरूर रिकमेंडेड करूंगा इस क्वाइन के लिए। लेकिन अब
अभी के लिए कुछ भी नहीं, इस क्वाइन के ऊपर जरा सा भी आप ध्यान मत दें। तो आज के टॉपिक में यही कहना था, एंड आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्रिप्टो लवर फॉरएवर।